हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक देसी जड़ी बूटी की श्रृंखला में एक नई वीडियो के साथ, एक नई पौधे के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहूँगा जो आपके आस पास ही खड़ा होता है, लेकिन उसके बारे में आपको सही ज्ञान न होने की वजह से या उसके बारे में जानकारी न होने की वजह से आप जो है उसका उपयोग नहीं कर पाते। दोस्तों, ये पौधा जो है आपको सड़क किनारे या कहीं पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको इसका पूरा ज्ञान नहीं होने की वजह से आप जो है इसका यूज़ नहीं कर पाते। दोस्तों, आप जो है इसका मैं आपको जिस तरीके से इसके फ़ायदे बताऊँगा आप उसको यूज़ कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप जो है एक आपको कितना फ़ायदा मिला। दोस्तों, चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा है, ये पौधा जो है सड़क के किनारे, अधिकतर सड़क के किनारे होता है और इस पर जो है सेम की फलियों की तरह फलियां लगती हैं और पत्ते जो है इसके आंवले के पत्तों के तरह होते हैं जो कि बहुत ही लाभकारी हैं। दोस्तों, इसका पत्ते और फल तना जो है बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है यदि हम इसको यूज़ करें तो। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका उपयोग जो है वो है बालों के लिए, कि भी आपके यदि बाल झड़ रहे हैं और यदि आपके बाल समय से पहले झड़ चुके हैं या आपके बाल जो है ज़्यादातर वह सफ़ेद हो चुके हैं समय से पहले, तो आपने इसका यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है, इसके फल को, ये फलियां हैं, इनको ले लीजिए, फलियों के साथ साथ आप जो है इसके पत्तों को ले लीजिए, उनको सिल बट्टे पर पीसना है। दोस्तों, न कि आपने ऐसे ही ग्राइंडर नहीं करना, आपने पत्थर के सिल बट्टे पर इसको पीसना है और उसका आधे घंटे तक बालों पर लेप रखिए और ये उपाय जो है आप लगातार एक महीने तक करिए, उसके बाद आपको जो है इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, स्त्रियों के मासिक धर्म में, जिनके जो है मासिक धर्म में जो है आगे पीछे तारीख हो जाती है या खुलकर नहीं आते, तो आप जो है इसका यूज़ कीजिए। इसका यूज़ आपने कैसे करना है, इसकी ये जो फलियां हैं, फलियों के आपने निकाल लेना है रस, यानी कि कूटना है, सिल बट्टे पर कूट करके आपने रस निकालना है और सुबह सुबह 5 दिन, जैसे ही मासिक धर्म आने से 5-7 दिन पहले आपने जो है उसका यूज़ करना है और इससे जो आपका बिल्कुल ही नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि स्त्रियों के स्तन में गांठ हो जाती है, कई स्त्रियों के स्तन में गांठ हो जाती है, तो उसके लिए आपने इसके पत्तों को लेना है, पत्तों को आपने सिल बट्टे पर पीसना है, ना कि ग्राइंडर करना है, क्योंकि सिल बट्टे पर इसकी गुणवत्ता जो है वो अधिक बढ़ जाती है। और आपने सिल बट्टे पर पीस करके इसको जो है 10 से 15 दिन आप उस गांठ पे मिलाइए, लगाइएगा जहाँ पे गांठ होती है, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये ज़रूर फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आयुर्वेद में जो है वो बहुत ताकत है। सबने जब पहले जो है दवाइयाँ नहीं थी, दवाइयाँ मान लीजिए 100 साल 150 साल पहले बनी होंगी, लेकिन उससे पहले कैसे इलाज होता था, इन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज होता था। दोस्तों, अब सनातन गांठ मूत्र रोग, यानी जिन पुरुषों को या स्त्रियों को जो है पेशाब जो है खुलकर नहीं होता और रुक रुक कर जो आता है और पेशाब में जलन होती है, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इसके तना होता है, तने के ऊपर से थोड़ी थोड़ी उतार लीजिए इसके जो छाल होती है और उसको जो है आपने पानी में पकाना है। दोस्तों, आप पानी में पका करके और जब पानी आधा रह जाए तो सुबह सुबह खाली पेट 10 दिन आपने यूज़ करना है, जिससे कि आपको जो है बिल्कुल आराम मिलेगा। दोस्तों, धातु रोग में भी यह बहुत ही लाभकारी है। यदि किसी को धातु रोग की समस्या है तो उसको पत्तों का रस और छाल का रस इसके ऐसे ही पकाना है पानी में, 1 गिलास पानी में पकाइए, ज़्यादा भी ले सकते हैं पानी, 2 गिलास ले लीजिए,
और अपनी इच्छा से पत्ते और तना ले लीजिए और उसको पीजिए सुबह खाली पेट 10 दिन। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबका धन्यवाद।